नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति YouTube चैनल में। फसल क्रांति YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रांत कुमार फौजी। अच्छा विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और उसके लिए फसल क्रांति की टीम आपका धन्यवाद करती है। हाँ जी, मैं भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। फसल क्रांति टीम यहाँ तक पहुँची और हमारे पास आई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी विक्रांत जी, आप जो है का अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रांत जी, और मैं इंटर क्लास में पढ़ता था, गांव गुनारसा मेरा, वहाँ से फिर इंटर में पढ़ता था। इंटर पढ़ने के बाद जिला सहारनपुर, फिर वहाँ से मैं फौज में भर्ती हो गया आर्मी में। वहाँ पर मैं 17 साल सर्विस करके आया, और वहाँ से हवलदारी के पोस्ट से रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मैं मेरठ में आ गया। मेरठ में यहाँ पर मैंने अपने मकान बनाए और यहाँ पर फिर जॉब करने लगा बिजली विभाग में। तो आप जॉब कर रहे थे, तो फिर आपको इसके लिए कैसे प्रेरणा मिली कि आप मुझे ये सोलर फार्म खोलना चाहिए? ये इसलिए था कि सर्विस तो मैं कर आया था, वो तो एक अपने नाम के लिए यहाँ के टाइम के लिए सर्विस कर रहा था, करने लगा आइडिल में। तो उसके बाद फिर देखा कि यार ऐसा नहीं है, कुछ और करने की मन में वो आई। तो फिर देखते रहे, बिजनेस के बारे में सोचने लगे, फिर कई बिजनेस आए, फिर देखते हुए फिर लास्ट में आके ये सूअर पालन पे निश्चित किया हमने। फिर हम इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी करके आए बरेली से। तो ये ट्रेनिंग आप कहाँ करें? ये ट्रेनिंग करी थी IVR बरेली। कितना टाइम के लिए? ये 10 दिन की ट्रेनिंग थी। 10 दिन में आपका कंप्लीट कोर्स? 10 दिन में कंप्लीट कोर्स। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपकी पहले से है? नहीं, ये हमने आने के बाद फिर जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे को ये सुगर पालन करना है, तब उसके बाद हमने घर वालों के सहयोग से ये जमीन खरीदी देखभाल का। तो आपके गाँव में तो आपके पास जमीन होगी? गाँव में जमीन थी, लेकिन थोड़ा सा ये काम है, लोग सोचते हैं कि यार ये काम कर रहा है, सुगर पालन है, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, तो वहाँ से गांव वालों से हटकर एक सामाजिक दृष्टि हाँ, से अच्छा नहीं मानते थे। अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए हमने यहाँ पर शुरू किया, यहाँ पर किया। तो इसके लिए आपने ये जमीन ली? ये जमीन ली हमने, और उसके बाद ये फार्म बना, फिर ये अपना फार्म बनाया। तो आपसे जो पहली बार बच्चे लाए, कहाँ से परचेज करें? बच्चे हम लाए थे पंजाब से। अच्छा, हाँ जी। तो जिसमें हम 30 बच्चे लाए थे फर्स्ट बार, फर्स्ट टाइम? हाँ जी, हाँ जी। तो उनमें मादा और नर थे? उसमें 12 मादा थी और 18 नर थे। तो उसके बाद ये कितना टाइम हो गया आपको इस काम करते? मेरे उसको 11वां महीना रनिंग है अभी। अच्छा, तो 11 महीने में कोई आपको इनकम भी इससे? हाँ जी, वे बच्चे हम जो हमारे 18 नर थे, वे हमने बेच कर, ये हमने पहले छोटा फार्म बनाया था ट्रायल बेस पर 40 फीट लंबा, उसके बाद फिर वे बच्चे बेच दिए, हमें इसमें दिखी उन्नति है और अच्छा काम है, तब हमने पूरा साइड बनाया अपना। तो अब आपके पास लगभग कितने बच्चे? अभी हमारे पास 130 के समथिंग हैं। उसमें नर मादा दोनों तरह? हाँ, सब मिक्स है। तो अब ये 103 बच्चे हैं, आपके खुद के फार्म के प्रोडक्शन है या बाहर से करते? नहीं नहीं, अभी ये सब प्रोडक्शन हमारे फार्म का ही है, सब आपका है। है, तो इसके लिए आपको जो है मार्केट वगैरह की कोई प्रॉब्लम आती है? मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके मार्केट में, जिसको माल चाहता है व्यापारी खरीदने के लिए यहीं पाते हैं, यहीं से लेकर जाते हैं, जिसको जरूरत होती है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाता है, बोला हमारे कितने इतना चाहिए, इतने पिक चाहिए, तो वो आ जाते हैं। किसी को बच्चे चाहिए, बच्चे वाले आ जाते हैं, जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई नया फार्म खोलता है तो आप उसको बच्चे प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और पुराने के लिए, उनमें कोई बीमारी वगैरह के लिए? बीमारी का ऐसा है, इनमें स्वाइन फीवर की बीमारी सबसे ज़्यादा है, और उससे स्वाइन फीवर से क्या है कि अगर स्वाइन फीवर आ गया तो ये बंद होने का कगार पर आ जाएगा, तो उसका साल में 2 बार टिक्के लगते हैं, तो उसकी पहचान के लिए आप होली और दिवाली निश्चित कर लो। होली और दिवाली पर 2 बार उसके डोज लगा दी, उसके बाद एक FMD आती है, FMD की डोज दे देने साल में 2 बार वो भी, और ये बुखार वगैरह इनके ट्रीटमेंट हो जाता है, उनकी दवाई दे दो बुखार की। तो आपने यह कोर्स किया तो इसके बारे में आपको खुद पहचान लेते हो बच्चा हमारा बीमार है? जी बिल्कुल, अब जहाँ ट्रेनिंग करने के बाद हमारे को काफ़ी नॉलेज हुई, और उसके बाद हमें पता लग जाता है, जैसे भी कोई बच्चा बीमार होता है उसका पता चल जाता है। तो जो मार्केट की आपकी प्रॉब्लम नहीं है उसकी उदाहरण कैश पर नहीं, इसमें सबसे अच्छा ये कि इसका जो हमने भी चुना था सिर्फ, इसमें सबसे बड़ा एक ही फायदा है कि जैसा आपका माल बिकेगा तुरंत जहाँ पर तुलेगा, जैसा यहाँ से माल आए, गाड़ी आई, माल लोड हो गया, तो जाकर कांटे पर तुलेगा, तुलते ही सारा आपको पैसे दे कर जाएंगे नकद।
कोई उधार नहीं है, नगद दे के जाएंगे। मतलब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इसके लिए आप जो है कोई युवा पीढ़ी के लिए युवा पीढ़ी के लिए यही है कि युवा पीढ़ी आए, क्योंकि आजकल जॉब तो इतना वो नहीं है, जॉब में तो एक बंदा निश्चित हुआ है, ये बिजनेस है, तो आप इसमें युवा पीढ़ी आकर करे, रोजगार अच्छा है और भविष्य भी है, इसका ऐसी बात नहीं भविष्य नहीं, भविष्य भी है, तो आके इसको करे, बहुत अच्छा बिजनेस है। आपके अलग अलग भाग बने हुए हैं? हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बीच बीच में ये है जी, ऐसा है कि ये जो हमारा साइड है ये 100 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है, और इसमें हमने एक तरफ खाने बना रखे हैं 7x14x13 के, और एक तरफ ये हमारे हो गए कटिंग के उसके मत हिसाब से, और ये बीच में हमने गाली दे दी 4 फीट की इसमें, और फिर हमने ये 10x8 के इधर बना दिया फीमेल के। अब आपको मैं फीमेल दिखाता हूँ अपनी, प्रवेश ये ना ठीक है, ये हमारा एक मेल है, इसको हम लाए थे पंजाब से। अच्छा जी, ये हमारी मेडिसिन वगैरह रखी है यहाँ पे, हम अपना इलाज जो कोई बीमार होता है इसको कर लेते हैं इससे। एक मिनट पर इतना हो, ये मेल है, ये 3.5 महीने के मेल है, और एक ये फीमेल है हमारी, ये भी आएगी अब से 15 दिन बाद। ये नस्ल है लार्ज व्हाइट, जोर सात लार्ज व्हाइट, ये नस्ल बनेगा। एक फीमेल हमारी ये है जिसने 9 बच्चे दिए थे, और ये 15 दिन के बच्चे हैं, बड़े हेल्थी बच्चे। एक फीमेल हमारी ये है, ये कल भी आई थी, अब इसको 24 घंटे हुए, 8 बच्चे दिए इसने। ये तो एक दो के हो गए, इसका ले लो, इसके बारे में बताता हूँ। एक हमारी ये फीमेल है, इसने 11 बच्चे दिए, और ये सब फर्स्ट बार किया है। ये 2 फीमेल है हमारी, ये बच्चे हमारे 35 दिन के हो गए, अभी 10 दिन बाद इन बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाएगा फीमेल के पास से। तो इसके लिए कोई स्पेशल जाति भी है? हाँ जी, इसकी जाति है इसकी, ये लार्ज व्हाइट का है। हाँ जी, हमारे यहाँ पर सक्सेस है लार्ज व्हाइट और लैंडरस, वैसे इसकी 6 जातियाँ होती है, तो हमारे दो जाति हमारे यहाँ पर अच्छी सक्सेस है। विक्रांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, फसल क्रांति हाथ जोड़ के नमस्कार, आप यहाँ तक आए, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।